हाई स्टूडेंट टीच फॉर क्लास थर्ड। बच्चों, हिंदी व्याकरण में हम लोग लेसन 14 की रीडिंग करेंगे और उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। लेसन 14 हमारा है मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं? देखो, जिस वाक्यांश का एक विशेष अर्थ होता है उसे मुहावरा कहते हैं। जिस वाक्यांश का एक विशेष अर्थ होता है उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे 9-2-11 होने का मतलब है, 9-2-11 होने का मतलब है भाग गया। भागने का मतलब कोई चोर आया, चोरी किया और भाग गया। फिर है आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र। आस्तीन का सांप मतलब वहाँ बेटा सांप नहीं होता है, आस्तीन का सांप होने का मतलब मित्र, कपटी मित्र, जो आपके पास रह कर आपसे छल और कपट करता है उसे आस्तीन का सांप कहते हैं। आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। जैसे हर बच्चा अपनी माँ के आँखों का तारा ही होता है, क्योंकि हर बच्चा अपनी माँ को बहुत प्यारा होता है। मुहावरे अर्थ तथा वाक्य। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना। जैसे देखो, सुमित को तितली मारते देखकर पिताजी लाल पीले होने लगे। दूसरा है भीगी बिल्ली बन जाना, डर जाना। सिपाही को देखकर चोर भीगी बिल्ली बन गया। फिर है पेट में चूहे कूदना, मतलब बहुत भूख लगना। दिन भर खेलने के बाद विपिन के पेट में चूहे कूदने लगा। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रह जाना। मोना को भागते देखकर सब दांतों तले उंगली दबा ली। पांचवा है अंगूठा दिखाना, मना कर देना। साक्षी ने जब गुड़िया मांगी तो श्रद्धा ने अंगूठा दिखा दिया। छठा है टांग अड़ाना, काम में अड़चन पैदा करना। खरगोश ने रास्ते में झाड़ी रख कर कछुए की जीत में टांग अड़ा दी। फिर है कान खड़े होना, मतलब चौकन्ना रहना। स्कूल में लड्डू बटने की बात सुनकर धीरज के कान खड़े हो गए। फिर है नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर बातें करना, मतलब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताना। शुभम ने अमेरिका घूमने के बारे में नमक मिर्च लगाकर अपनी बातें बताई। हाथ मलना, पछताना। चूहे को न पकड़ पाने पर बिल्ली हाथ मलती रह गई। मुंह में पानी भराना, ललचा जाना। जैसे बच्चों, जैसे कोई चीज़ को हम देखते हैं हमारे मुंह में पानी, जो चीज़ को हम मुझे पसंद हो। पके हुए अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भराया। अब देखो, जिस वाक्यांश का एक विशेष अर्थ होता है उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आ जाती है। बच्चों, आप लोग इसका जो ये लाइन में हमने जाना, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आंसर भी दिया जाएगा इस तरह से। अब हम इसके आते हैं प्रश्न अभ्यास पर। पहला क्वेश्चन है, मुहावरों का के अर्थ पढ़िए तथा सही या गलत का निशान लगाइए। टांग अड़ाना, काम में अड़चन पैदा करना सही है। फूला ना समाना, फूल जाना गलत है। लाल पीला होना, रंग बदलना गलत है। मुहावरों से अर्थ तक रेखा खींचना, भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा आना। हाथ मलना, पछताना। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रह जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे पूरा कीजिए। टांग अड़ाना, नमक मिर्च लगाना, पेट में चूहे कूदना, कान भरना। तो बच्चों, जिस तरह से यह बुक फिल की गई है, इस तरह से आप लोग भी अपनी बुक को कंप्लीट कर लेना और इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।